नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। पीजीटी एलटी ग्रेड पीजीटी डी ट्रिपल एसबी की मैथ्स सीरीज में हम लोग एलजेब्रा का पेपर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं और साथ में उनके कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या हुआ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ फी फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस टू एक्स माइनस पी प्लस वन इक्वल टू जीरो इज मिनिमम विल बी। मतलब पी का वह मान हमें ज्ञात करना है जिसके लिए जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूलों के वर्गों का जो योग है वो न्यूनतम आना चाहिए। तो इससे पहले हम एक छोटी सी बात जानेंगे। देखिए, ये हमारे द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसके दो फार्मूले होते हैं, एक मूलों का योग का जो होता है माइनस का बी बटे ए, और एक होता है मूलों का गुणनफल। गुणनफल जो होता है आपका सी बाई ए। यहाँ पर हम मूल की बात करें तो हम इनके मूल मान लेते हैं, माना मूल जो है हमारे वो अल्फा और बीटा है। तो अगर हम इस समीकरण को इससे कंपेयर करें जो हमें समीकरण दी गई है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान वन हो जाएगा। बी की जगह पर अगर हम देखें तो बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का पी माइनस टू हो जाएगा। और सी का मान अगर हम कंपेयर करें तो सी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का पी प्लस वन। ठीक है, तो ये हमें तीन मान मिल गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहली इक्वेशन क्या होती है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, हमने ये मूल क्या माने हैं, अल्फा और बीटा। तो मूलों का योगफल होता है माइनस का बी बटे, तो माइनस लगाएंगे और बी की वैल्यू है माइनस का पी माइनस टू, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए ए की वैल्यू वन है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पी माइनस टू। इसी तरह मूलों के गुणनफल की बात करें तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है माइनस का पी प्लस वन और ए की वैल्यू है हमारी वन। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस का पी प्लस का वन। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि मूलों के वर्गों का योग निकालिए और वो न्यूनतम दिखाइए। तो मूल हमने क्या मान रखे थे भाई, एक अल्फा, इसका स्क्वायर कर दिया और ये बीटा, मूलों के वर्गों का हमने योग कर दिया। यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा फार्मूला होता है, तो हमें ये मान निकालना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का टू अल्फा बीटा। ये आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का टू ए बी। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल कितना निकला है, पी माइनस टू होल स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस टू इंटू अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल कितना आया है, माइनस का पी और प्लस का वन। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका पी माइनस टू का होल स्क्वायर और ये माइनस का टू पी और ये माइनस का टू। अब यहाँ पर हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देंगे। क्या होता है वो, ए का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर और माइनस का टू ए बी, तो माइनस का टू इंटू पी इंटू टू, माइनस का टू पी और माइनस का टू गिवन है। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर, ये हो गया फोर और ये हो गया माइनस का फोर पी, ये हो गया माइनस का टू पी और ये हो गया माइनस का टू। तो ये आपका आ गया, यहाँ पर हमारा ये माइनस का टू और माइनस का पी मल्टीप्लाई हुआ था तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का टू पी हो जाएगा, ये प्लस का टू पी, ये प्लस का टू पी। तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा पी स्क्वायर और माइनस के फोर पी में प्लस का टू पी जाएगा तो माइनस का टू पी बचेगा और ये आपका बचेगा प्लस का टू इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारा किसका मान आ गया, ये मान आ गया हमारा मूलों के वर्गों का। अब अगर इसको हम देखें तो ये किस चीज़ का हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का जो मान आया है, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस टू पी को माइनस टू पी और इसको लिख दीजिए वन प्लस वन टू को। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये हमारा फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस का वन बचा रह गया, ये आ गया मूलों का योग। तो मूलों के वर्गों का जो योग आया है, p माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन आया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमको जो योगफल है ये क्या करना है, न्यूनतम करना है, बिल्कुल मिनिमम करना है।
तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप वन के साथ तो कुछ नहीं कर सकते। अगर ये वैल्यू ज़ीरो होगी तभी इसकी मान जो है इसका मिनिमम होगा। अगर ये वैल्यू आप पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी रखते हो तो ये स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगी और वैल्यू हमेशा वन से ज़्यादा आ जाएगी। तो अगर हमें इसको न्यूनतम करना है तो हमें इस पी माइनस वन को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो। तो यहाँ से पी का मान कितना आ जाएगा, वन। तो यही आपका क्वेश्चन पूछा था कि पी का वो मान निकालिए जिसके लिए जो आपकी समीकरण दी गई है इसके मूलों का वर्गों का योग जो है वो क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। ठीक है।